तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये डेफाई क्रेस्ट एक्स को अगर आप 500 रुपीज़ में खरीद चुके हो तो यहाँ पे कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 500 रुपीज़ के लिए ये आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। और क्यों है इसके लिए मैं आपको वीडियो में डिटेली बता दूंगा, और आपको कौन से कंडीशन में इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ये सारी चीज़ आपको म्यूजिक टेस्ट और कॉल टेस्ट में आपको पता चल जाएगा। और साथ में जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पे आपको लो लेटेंसी मोड 70 मिलीसेकंड का देखने को मिल जाता है, वो कैसे काम करते हैं इसके लिए मैं गेमिंग टेस्ट भी करूँगा ताकि आप आइडिया कर सकते हो ये पर्टिकुलर नेकबैंड आपके लिए कैसे रहने वाला है। और साथ में इस पर्टिकुलर नेकबैंड का मैं यहाँ पर गिव अवे कर रहा हूँ, कैसे आप पार्टिसिपेट करके इसको जीत पाओगे उसका पूरा डिटेल्स आपको वीडियो में कहीं पर बीच में मिल जाएगा, तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखना। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिजीत, वेलकम टू माय चैनल डे बाय डे। तो ये है बॉक्स पैकेजिंग इस नए डिफाई क्रेस्ट एक्स की। यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पे नाम देखने को मिल जाएगा इस साइड, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको 70 मिलीसेकंड के आपको लो लेटेंसी मोड गेमिंग के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको 10 mm की ड्राइवर देखने को मिल जाती है। IPX4 की आपको वाटर रेजिस्टेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। और दूसरे साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है, और यहाँ पे आपको 16 आवर की प्लेबैक टाइम भी देखने को मिलेगा। ब्लूटूथ 5.1 का आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाती है। पीछे की तरफ आप देख सकते हो आपको गुरु रंधावा का इमेज देखने को मिल जाते हैं। और जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि आपको बॉक्स कंटेंट यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो बॉक्स के अंदर आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको 1 ईयर की वारंटी कार्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो कि आपको एक नंबर देखने को मिल जाता है, जिसके मदद से आपने प्रोडक्ट को यहाँ पे रजिस्टर कर देना है 1 ईयर की वारंटी क्लेम करने के लिए। और इसके बाद यहाँ पे आपको एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाती है। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि काफ़ी सारा चीज़ यहाँ पे पेपर वर्क में आपको मिनिमल रखा गया है, जितना रिक्वायर्ड है आपको उतना ही यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको टाइप सी की चार्जिंग केबल देखने को मिल जाएगा, और कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स जो कि अपने साइज के हिसाब से इसको आप फिट कर सकते हो। और एंड में यहाँ पे हमारा ये नेक बैंड देखने को मिल जाती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है, नेक बैंड की क्वालिटी काफी अच्छा देखने को मिल जाती है, स्किन फ्रेंडली टाइप है, और साथ में आपको काफी फ्लेक्सीबल देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो कंट्रोलर वाला पार्ट है ये आपको थोड़ी सी प्लास्टिक टाइप का देखने को मिलेगा, लेकिन जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी मैं कहूँगा कि प्राइस के हिसाब से काफी आपको जबरदस्त देखने को मिल जाती है। इस साइड आपको ये डिफाई का आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगा, दूसरे साइड आपको सारे कंट्रोल बटन देखने को मिल जाते हैं। बटन की क्वालिटी भी काफी बढ़िया लगा है, प्लस माइनस और आपको एक फंक्शन बटन देखने को मिल जाती है। और दूसरी साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको टाइप सी की जो चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ पे आपको एक कवर भी देखने को मिल जाती है। तो बिल्ड क्वालिटी भाई मैं कहूँगा कि प्राइस के हिसाब से आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है, और बटन की क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाती है। काफ़ी आपको एक अच्छी सी फीडबैक आपको देखने को मिल जाता है बटन को यूज़ करने पर। वायर भी देख सकते हो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाती है, कोई भी ऐसा नहीं कि आप कोई बजट में खरीद रहे हो तो यहाँ पर वायर की क्वालिटी आपको कोई ख़राब वाला दिया गया है, अच्छी क्वालिटी आपको वायर देखने को मिल जाती है। और ये ईयर हेड्स देख सकते हो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको बोट टाइप का आपको ईयर हुक्स देखने को मिल जाती है। मैग्नेट आपको इतना स्ट्रांग देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसी प्राइस पे हम कंप्लेन भी नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी ईयरबड्स भी देखने को मिल जाती है, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगा, लेकिन अगेन प्राइस के हिसाब से ओवरऑल जो इसका बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है, मैं कहूँगा कि बिल्ड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त है। इस नेक बैंड को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो फंक्शन बटन है इसको आपको प्रेस करके थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको एक LED लाइट यहाँ पे ऑन हो जाएगा। सेम टाइम अगर आप फोन में चेक करते हो तो यहाँ पे आपको ये डिफाई क्रेस्ट एक्स करके यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। इस पर सिलेक्ट करोगे तो थोड़ी देर के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे ये कनेक्शन हो जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि अंदर अगर मैं जाके चेक करता हूँ तो यहाँ पे जो कोडेक है आपको कोई भी हाई क्वालिटी कोडेक आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको SBC कोडेक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ये फंक्शन बटन अगर प्रेस करते हो तो यहाँ पे ये प्ले और पॉज के काम करते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए आपको माइनस बटन है, और प्लस बटन को प्रेस करते हो तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाते हैं। प्लस बटन को प्रेस करके होल्ड करते हो तो यहाँ पे नेक्स्ट के लिए, माइनस बटन को प्रेस करके होल्ड करोगे तो यहाँ पे आप प्रीवियस सॉन्ग के लिए आ जाओगे। कॉल आंसर करने के लिए यहाँ पे फंक्शन बटन को अगर सिंगल बार प्रेस करते हो तो कॉल आंसर हो जाते हैं। बात पूरा हो जाने के बाद अगेन सही सेम अगर आप इसको प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपका कॉल भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे कॉल को आंसर नहीं करना है, अगर इसको प्रेस करके होल्ड कर रखते हो फंक्शन बटन को, तो यहाँ पे कॉल भी रिजेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे ये फंक्शन बटन अगर 2 बार कंटिन्यूसली प्रेस करते हो तो जो लास्ट कलर रहेगा उनको यहाँ पे कॉल भी रिडायल हो जाते हैं। नेकबैंड में गेमिंग मोड को एनेबल करने के लिए यहाँ पे जो फंक्शन बटन है इसको अगर यहाँ पे 3 बार प्रेस करते हो तो यहाँ पे गेमिंग मोड के लिए, अगेन सेम अगर आप 2 बार इसको 3 बार प्रेस करते हो तो यहाँ पे नॉर्मल मोड के लिए यहाँ पे एनेबल हो जाते हैं। फ़ोन में वॉइस असिस्टेंट को वेक करने के लिए आपको फंक्शन बटन को प्रेस करके थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो कि मेरे केस में ये गूगल असिस्टेंट यहाँ पे वेक हो चुका है। तो अभी बात कर रहे थे गिव अवे रिलेटेड के कैसे इस नेकबैंड को आप जीत सकते हो, तो इसलिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, और लाइक की जो टारगेट है 350 लाइक है। जैसे ही 350 लाइक पूरा हो जाता है तो आप में से किसी एक को ये पर्टिकुलर नेकबैंड यहाँ पे गिव अवे कर दूंगा।
और इसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। आप जो भी कमेंट कर रहे हो उसके साथ आपको हैशटैग डे बाय डे टेक लिखना है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है सेम टू सेम आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं यूट्यूब रैंडम कमेंट पिकर के थ्रू एक नाम को यहाँ पे चुन लूँगा, जिसका भी नाम आता है उनको मैं यहाँ पे ये पर्टिकुलर नेकबैंड सेंड कर दूंगा। और इसके लिए मुझे उनको कॉन्टैक्ट करने के लिए ज़रूरत होगा, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना, ताकि जैसे यहाँ पे गिवअवे का अनाउंसमेंट हो जाएगा आपको मैं उसी इंस्टाग्राम के थ्रू आपको मैं कॉन्टैक्ट कर पाऊँगा। तो जरूर से मुझे फॉलो कर देना, साथ में ये जो लाइक की टारगेट है जल्दी जल्दी पूरा कर देना। और इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे हमारे चैनल पे गिवअवे चलते हैं, जिसका डिटेल्स मैं यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे भी जाकर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आई होप ये जो लाइक की टारगेट आप जल्दी जल्दी पूरा करके आप इसको जीत पाओगे। सो ऑल द बेस्ट। तो अभी जल्दी से इसका म्यूजिक टेस्ट, कॉल टेस्ट और यहाँ पे हम लेटेंसी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली नॉन कॉपीराइट सॉन्ग का इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगर आपको हिंदी सॉन्ग इसका आउटपुट जानना है आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे वहाँ पे वीडियोस पे चेक कर सकते हो। तभी जो आवाज आप सुन रहे हो ये आवाज आपको इसी डिफाई क्रैश एक्स से मिला है। और यहाँ पे मेरे जो फैन है मैं फुल स्पीड में चालू रखा हूँ ताकि बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइज हो, और उसी दौरान अगर आप इसी नेकबैंड को यूज करके इसे कॉल करते हैं तो जो माइक की क्वालिटी आपको कुछ इस तरह से मिलने वाली है। तो अभी बात कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर नेकबैंड अगर यहाँ पे 700 रुपीज़ जो इसके जो अभी रेगुलर प्राइसिंग हो चुका है इसके हिसाब से यहाँ पे आपको कितने और देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके जो बिल्ड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी में कहूँगा कि काफ़ी आपको अच्छा देखने को मिल जाती है 700 प्राइस पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि इसकी जो नेकबैंड की क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाती है। स्किन फ्रेंडली के साथ साथ आपको यहाँ पे काफ़ी ये फ्लेक्सिबल देखने को मिल जाती है। मुझे काफ़ी पसंद आया इसके जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसका जो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अगर बात करते हैं इसकी जो म्यूजिक क्वालिटी, म्यूजिक क्वालिटी में कहूँगा अगर आपको बेस ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा लाउड आपको बेस देखने को मिल जाती है। आपको बेस वाले प्रायोरिटी रखते हो तो यही आपको काफ़ी पसंद आएगा, लेकिन इसके वजह से मैं कहूँगा कि थोड़ी बहुत आपको क्लैरिटी में आपको थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बाकी जो ट्रेबल फोकस थोड़ी सी आपको कहीं ना कहीं ये दब जाते हैं। बेस के लिए यहाँ पे आपको काफ़ी ये फोकस्ड है, तो मैं कहूँगा कि आपको क्लैरिटी इतना देखने को नहीं मिलता, लेकिन प्राइस पॉइंट के हिसाब से म्यूजिक क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। और मैं कहूँगा कि इसकी जो लाउडनेस आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है, मतलब आप 100% में अगर सुनना जाओगे तो थोड़ी सी आपको डिस्टॉर्शन महसूस होगा। यहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर इसको 80% में सुनोगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाती है। कॉलिंग के मामले में ठीक ठाक से आपको आउटपुट देखने को मिल जाती है। बजट में हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि कॉलिंग के मामले में आपको ठीक ठाक से आउटपुट देखने को मिल जाती है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादा नॉइज कैंसलेशन वाली फीचर तो नहीं है, जिसकी वजह से आपको कॉलिंग के लिए थोड़ी सी आपको यहाँ पे कंप्रोमाइज अगेन करना पड़ेगा। लेकिन गेमिंग के मामले में कहूँगा कि जो 70 मिलीसेकंड का आपको यहाँ पे लो लेटेंसी मोड देखने को मिलती है काफ़ी बढ़िया है, आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर प्रायोरिटी रखते हो कि गेमिंग के लिए अगर आपको बजट में चाहिए अभी के टाइम में ये वन ऑफ द बेस्ट है, जहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाती है, म्यूजिक भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाती है। बिल्कुल मेरे तरफ से ये रिकमेंडेड है जिस प्राइस के साथ ये आते हैं। और भी कुछ डाउट हो या फिर कन्फ्यूजन है इस पर्टिकुलर नेकबैंड के रिलेटेड आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके डीएम कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई करूंगा। और जैसे मैंने कहा कि आप इसके गिवअवे में पार्टिसिपेट करके इसको जीत सकते हो, जरूर से वो लाइक की टारगेट पूरा कर देना ताकि आपको ये जो पर्टिकुलर नेकबैंड मैं जल्दी से जल्दी सेंड कर पाऊँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे गिवअवे या फिर ऐसे यूजफुल वीडियो जब भी आते हैं आप उसको मिस ना करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।